हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चैट जीपीटी की हेल्प से हम कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली हमें मिल सकता है। इसके लिए सबसे यहाँ पर आपको पता ही है, हम चैट जीपीटी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिख के आ गया सेंड ए मैसेज। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रख रखे हैं, जिससे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ये हमें इसका आंसर इजीली लिख के दे देगा। हमें कितने वर्ड्स में चाहिए वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उतने वर्ड्स में हमें ये आंसर्स मिलेगा। देखिए पूरा क्वेश्चंस का आंसर इसने इजीली हमें दे दिया है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम आंसर को हम शॉर्ट में चाहते हैं, ठीक है, तब हम यहाँ क्या लिख देंगे, गिव आंसर इन, ठीक है, 100 वर्ड्स। ठीक है, देखिए मैंने शॉर्ट में कर दिया है। अब इसी आंसर को ये शॉर्ट में दे देगा हमें 100 वर्ड्स में। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिया है, ये देखिए इसमें दिया है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर टुडे इन मॉडर्न लाइफ। ये देखिए जितने वर्ड्स हम लिखेंगे उतने वर्ड्स में दे देगा, इसमें मैंने कोई लिमिट नहीं दी है। ठीक है, जैसे इसने दे दिया है कि कंप्यूटर का यूज कहाँ पर होता है, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, वर्क एंड बिजनेस में, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया में, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च में। ठीक है, कई पॉइंट्स हमने इसने दे दिए, जितने वर्ड्स हम लिखेंगे उतने वर्ड्स में हमें आंसर्स मिल जाएगा। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा है, अगला हम दे रहे हैं एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। ठीक है, बस हमने क्वेश्चन लिखा और इसने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। बस आपको क्वेश्चन लिख के एंटर ही करना है। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट इसने लिख दिया हमारा, भी पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया ई कॉमर्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में है। नेक्स्ट लिख दिया इसने मोबाइल एप्लीकेशन में इसका यूज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। आगे एग्जांपल्स भी लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्टॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। Describe the generation of computer. बस क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा और हमें आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट जनरेशन के बारे में, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के बारे में स्टार्ट कर दिया है। अगली जनरेशन के बारे में बता रहा है क्या उसमें यूज होता है, क्या उसके फंक्शंस में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये तो थे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ मैं इसको। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन एक यहाँ पर लिखा है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो इसने इजीली हमें आंसर्स दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वाटर साइकिल से रिलेटेड है ये। व्हाट इज वाटर साइकिल, बस हमें क्वेश्चंस लिखना ही है कि हमें आंसर्स मिल जाएगा। जैसे भी आपके क्वेश्चंस हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, इजीली आपको यहाँ से बच्चा एट जीपीटी में जाके आपको क्वेश्चंस को टाइप करना है और इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वाटर साइकिल्स का था। नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पर लिखा है व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर फिल डालेंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्यों हम क्वेश्चन की लिमिट यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि शॉर्ट में चाहिए हमें। ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने इसकी लिमिट डाल दी है, ये आंसर 50 वर्ड्स। ठीक है, देखिए शॉर्ट में हमारा आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, शॉर्ट में है, देखा आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, राइट द फॉर्मूला कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये देखिए इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, हमें पूरा डिस्क्राइब भी करके ये बता रहा है। जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है, सेकंड लिखा है, नेक्स्ट इसने यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट हम इसे रेक्टेंगल का देखना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर हमने ट्राइंगल्स की जगह क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, रेक्टेंगल। ये देखिए इस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से हम भाई जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम इजीली हमें मिल जाएंगे चैट जीपीटी में। बस हमें क्वेश्चंस लिखना है और उसका आंसर इजीली मिल जाएगा।